पठानकोट शहर के 10 मिनट की बारिश से कंडिया बदीड़ा है पानी इस तरीके खड़ा हो। पिछले 7-8 साल तो लोगों में समस्या आ रही है। तो प्रशासन अगे जनता की अपील है कि समस्या नूं पहल दे आधार उत्ते ठीक करवाया जाए। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं तुहाडा अपना रमनदीप सिंह, तुसीं देख रहे हो 7C न्यूज। पठानकोट शहर के 10 मिनट की बारिश से कंडिया बदीड़ा है पानी इस तरीके खड़ा हो। बारिश पैन के नाल जिते एक गर्मी तो राहत लोगों को मिली है। बहुत ज़्यादा गर्मी जी पिछले कुछ दिनों तो पै रही थी, 40-45 डिग्री जो टैंपरेचर चल रहा है, लोग गर्मी तो बेहाल सन। बारिश पैन के नाल लोगों को गर्मी तो राहत तो मिली है, पर उत्थे ही दूजे पासे एक वड्डी समस्या पठानकोट शहर के जिहड़ी कि पिछले 7-8 सालों तो खड़ी होंदी आ रही है, वो अज तरीके बरकरार है। तुसीं देख सकते कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा ये पानी है, असीं खड़े हाँ इस वक्त काली माता मंदिर रोड तक, लोधी रोड नूं कनैक्ट करता है पटेल चौक के नाल, रोड उत्ते खड़े हाँ। काली माता मंदिर बिल्कुल सामने है, नज़दीक है, देख सकते हो किस तरीके नाल गड्डियां इत्थे गुजर रही हैं, मोटरसाइकिल वाले इत्थे गुजर रहे हैं। पर जिहड़ी ज़्यादा समस्या होंदी है वो आस पास के दुकानदारां दी समस्या है, क्योंकि जदों ये बारिश होंदी है, अज तकरीबन 10 मिनट बारिश हुई है, तो तुसीं पानी देख सकते हो किस तरीके नाल ये पानी खड़ा होया है। पिछले 7-8 साल तो लोगों को समस्या आ रही है, तो इस समस्या का हल करवाने लई बहुत जिहड़ा कि आम दुकानदारों ने प्रशासन के कोलों मंग भी की है, पर हज तक समस्या का हल नहीं हो पाया है। तो बहुत सारिया दुकाना ने इतने, कपड़िया की दुकाना ने, मोबाइलों की दुकाना है, गिफ्ट शॉप है, आपके बेकरी भी है, तो सब तो वाला इतने काली माता का मंदिर है जिसे बहुत सारे श्रद्धालु पहुँचते हैं, पर यह समस्या अजे तक बरकरार है। तो आम लोगों की दुकानदारों की अपील है कि समस्या जल्द तो जल्द हल किया जाए, क्योंकि अजे सिर्फ जी बारिश हुई है, थोड़ी जी बारिश हुई है, आने वाला समा और मानसून जो पहुंचेगी, बरसातों के समय जो शुरू होएगा, और लगातार बारिशा हो बारिशा होने के समय के रोड जोड़ा कि है 10-15 दिन तक पानी इस तरीके खड़ा ही रहता, तो जो आम दुकानदार है उन्होंने बहुत ज़्यादा समस्या आती है। सो प्रशासन अगर जनता की अपील है कि समस्या पहल के आधार उत्ते ठीक करवाया जाए। मेरा नाम परविंदर सिंह है, मेरी काली माता मंदिर रोड से दुकान है। काफ़ी सालों तक जो मैं खुश मिलया इस रोड के उत्ते पानी की खड़े होने की समस्या है, काफ़ी सरकार आई हैं, गई भी ने, लेकिन अज तक किसी ने हल नहीं कराया। सड़क के एक पास अलग वार्ड पैंता है, दूसरी साइड से अलग वार्ड पैंता है, तो उन्होंने चंगी तरह सफाई ना होने करके इतने प्रॉब्लम पानी की समस्या है। बार भी पानी की निकासी नहीं हैगी है, काफ़ी बार अभी रिलेटिव बंद कह भी चुके हैं, जो सीवरमैन आते हैं, पर वो भी कहते हैं कि बार मेन रोड जो ब्लॉकेज भी है जो तक सॉल्व नहीं होगी, यह हल नहीं हो सकता। मैं मौजूदा समय से मेयर पंजाब पार्टिया जी तो साढ़े जे इतने हल्का इंचार्ज विभूति शर्मा जी उन्होंने रिक्वेस्ट करता कि इस समस्या का जल्द तो जल्द समाधान कराओ, क्योंकि अगे बरसात का मौसम है तो मच्छर वगैरह काफ़ी बीमारियां होती प्रॉब्लम हो सकती है। धन्यवाद। तो ज़्यादा बारिश होने के केस घर कमरे तक पानी चला जाता है। मैं नवजीत पठानकोटिया तो, चलो भाजी अपने बारिशों का मौसम का तो बहुत फर्क पिया, लेकिन यह जरा जी एक तंगी हैगी समस्या हैगी है, बहुत बड़ी समस्या साड़ी मार्केट लिए, साड़ी दुकानदारा लिए, जिद नाल कस्टमर नहीं आता, सानू भी अंदर बाहर जाने प्रॉब्लम होंगी है। तो बस साढ़े को प्रशासन को सिर्फ एक ही मंग है कि सारा जल्द से जल्दी हल किया जाए। जो पानी है साढ़े सामने ही है, देख ही सकते हो कि पानी है, ना ही बाहर जा सकते, ना कोई अंदर आ सकता साथ देता कस्टमर, सब प्रशासन का ही मंग है जी है। कई सालों तो अं ये देखते आ रहे हैं कि ये बरखा के कारण साढ़े जी मतलब के रस्ता बहुत ज़्यादा खराब होंगे, उदे करके साडे जिन्ने भी दुकानदार है इन्हां दे गाहक बहुत घट आता है, ये साढ़े मुश्किल बहुत ज़्यादा है, इहदा मसला कोई हल किया जाए, बड़ी बड़ी मेहरबानी। ये जी कोई 7-8 साल हो गया जी, ज़्यादा ही हो गया,